फर्स्ट टाइम इतने अच्छे मैंने एग बनाए हैं, मुझे खुद बिलीव नहीं आ रहा मुझे। फिर हमारे जो है ना चावल डालेंगे, मैंने बता दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू नीला हीरा व्लॉग। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब जाऊँगी अनिला को लेने, उसके बाद फिर जो भी रूटीन हो गया आपने शेयर की चाहिए। तो मैं कर रही हूँ नीला का वेट नीचे, वो आ नहीं रही, बाइक पे बैठे। सो अब बनाएंगे हम एग फ्राई। फाइनली हमारे एग तैयार हो चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम इतने अच्छे मैंने एग बनाए हैं, मुझे खुद बिलीव नहीं आ रहा मुझे कि बने। तो मज़ा आ गया, अंडे बना के जैसा नीला चाहिए वैसा अंडा बन चुका है। अब हम खाएंगे पार्लर जाके। तो मैं अब जा रही हूँ मार्केट। नीला एक सलोन में काम कर रही है, क्लाइंट्स आए हुए हैं तो मार्केट से करवानी है। क्लॉक्स की मशीनरी ख़राब हुई हुई है, वो ठीक तो वो करवा के आती हूँ। तो वो मैंने पैक कर लिया। ड्रायर हमारा टूट गया था, उसका फ़ैन वो भी ठीक करवाने, वो भी करवा के आती तो मिल रहा है मार्केट से आके। मार्केट में पहुंच चुके थे, अब जाएंगे क्लॉक वाली शॉप पे। सो पहले देना था इधर ड्रायर, तो इधर ड्रायर है, ड्रायर हमारा ख़राब हो चुका था, वो दिया। और उसके बाद मैं जाने लगी थी अगली शॉप पे, तो मुझे नज़र आ गई शूज़ जोकर बहुत प्यारे थे, दिल को लग गए थे। बट ये होलसेल की शॉप थी, इधर से नहीं मिल सकता था वन पेयर। तो देन मैं आगे पहुंच चुकी हूँ क्लॉक वाली शॉप, और अंकल जी कर रहे थे हमारा क्लॉक ठीक। और इनकी एज 95 प्लस थी, और देखे कैसे मेहनत करे, चकाचक क्लॉक को उन्होंने बेस्ट फ्रॉम बेस्ट करके मुझे दे दिया। और नेक्स्ट मैंने आना था कॉस्मेटिक की शॉप से, कॉस्मेटिक से लिया सामान, और उसके बाद बैठ के ऑटो में बैठ के अपने घर को आने लगी थी। रवाना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बस मैंने कहा पहुँच जाऊँ अब किसी तरीके से घर को। सोजी मार्केट से मैं आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ अपने घर और जी चाय बनाने, और देखते हैं क्या भी पका है हमारे घर या क्या पकड़ा है, सारी डिटेल लेते हैं हम। सो पहुँचते हैं अपने घर को, बच्चे मुझे तो घर पहुँच हुए हैं, देखते हैं क्या पकड़ा है। चाय रखी हुई है जैसा के मेरी मम्मा क्या करोगे, ये क्या करवाएंगे। तो इधर बोल रही है चाय, मेरी अम्मा जा रही हैं, मेरी वाइफ जा रही हैं। तो ये मटर बड़े हैं और ये चावल भी भिगोए हुए हैं, मटरों हैं चावल भाई ठीक ही हम बनेंगे। तो मेरे को जो कहता है ना मैं आंडी रोटी नहीं करती, ये देखो प्रूफ है मैं आंडी रोटी करती हूँ, चम्मच मार लेना भी बहुत होता है आंडी में, और चाय भी बनाती हूँ मैं, मुझे आती है आंडी रोटी, इतनी भी मैं नारी के बारी नहीं। देखो सैरा मैं आंडी रोटी करती हूँ, ये देखो सैरा, अब ये प्याज ब्राउन हो रहा है, अब इसको हम ब्राउन करके इसमें फिर हम थोड़ी सी पानी डाल के फिर मसाला जार डालेंगे, फिर चावल को भिगो के जो है ना धो के चावलों को, फिर इसमें जो है ना कोई मेरी चाय उबल गई इस चक्कर में, फिर इसमें पानी डालेंगे जितने चावल है उससे दो गुना ज़्यादा, मसाला अगर एक प्याला है तो दो प्याले डालेंगे, फिर हमारे जो है ना चावल डालेंगे, मैंने बता दिया बाकी आप करेंगे। मैं आ चुकी हूँ अब बाजार से, आ गई थी बहुत थक गई हूँ गाइस, अनिला नीचे काम कर रही है, ऊपर आने उसने अभी भी नीचे नहीं बड़ा भी, चाय भी ले आई हूँ मैं, ये सामान रखा हुआ इधर, टू मच टाइट। तो घर चावल बन रहे हैं, खाएंगे हम लोग जैसे चावल। डीजे वाले बाबू मेरा खाना चिला दो, डीजे वाले बाबू मेरा खाना चिला दो गाना। मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं और थोड़े से मैसी थे, वो गए थे, साफ़ कर लीजिएगा आप, गीले कपड़े से हो जाते हैं, वाटर प्रूफ है, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, न्यू स्टाइल न्यू डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, बहुत मज़े के हैं। सो नीला को छोड़ने के बाद मैं घर आई, तो मेरे भांजे ने मुझे दी थी ये मिठाई, बहुत ही मज़े की थी और अच्छी बनी हुई थी। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर।